ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा प्रभावी मोहिनी मंत्र जिससे कि अपने बिगड़ैल पति पर नकेल डाली जा सकती है। मेरे पास बहुत सारी ऐसी क्वेरीज आ रही हैं जिनमें कि महिलाएं जो हैं उनकी पहली जो कमेंट होती है वो यही होती है कि पति जो है वो वश में नहीं है, लव ट्रायंगल बना हुआ है, कोई बाहर है और उन पर ध्यान नहीं देते हैं। तो बहुतायत में इस तरह की कमेंट्स आना ये कोई आम बात नहीं है। इससे पता लगता है कि हमारा समाज जो है वो किस दिशा में जा रहा है। यदि वैवाहिक जीवन में कोई तीसरा आ जाए, कोई सौतन आ जाए, उसके लिए इस मंत्र का अपना ही एक महत्व है। इस मंत्र से अपने पति को अपने वश में किया जा सकता है। यदि पति जो हैं बाहर कोई अफेयर कर रहे हों या फिर डाइवोर्स तक की नौबत आ गई हो तो आंख मूंद कर इस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। जब सारे रास्ते बंद हो जाएं उस समय पर ये मंत्र अवश्य काम आएगा। ये लगभग 15-16 साल पहले मैंने प्रयोग करना शुरू किया था और आज इसकी सार्थकता जो है वो सिद्ध हो गई है। तो इतने सालों के अथक प्रयासों के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो मंत्र है ये अपने आप में अजूबा है। चाहे कितना ही पत्थर दिल इंसान क्यों ना हो, चाहे कितना ही बिगड़ैल पति क्यों ना हो, उस पर भी इस मंत्र से नकेल डाली जा सकती है। मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे जिनमें कि जो पति है वो रात रात भर शराब पीकर धुत कहीं पड़ा रहता था और घर में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। कई ऐसे भी केसेस थे जिनमें कि एक शादी तो यहाँ कर रखी है और एक बाहर कर रखी है। तो ये यूके का केस था। एक महिला ने मेरे पास अपना केस भेजा तो उसमें क्या था कि एक तो जो पुरुष था उसने शादी कर रखी थी इंडिया में और दूसरी जो उसकी बीवी थी वो थी यूके में। तो जब इसका पता लगा तो वाइफ ने मुझे कॉन्टैक्ट किया और कहा कि ये जो तीसरी आई है इसको हटाना है। तो देखा जाए तो ये जो कर्म है ये काफ़ी अच्छा है कि आप किसी का घर बचा रहे हैं और ऐसे कर्मों में बहुत जल्दी जो है इफ़ेक्ट दिखता है। तो हुआ यूँ कि मैंने ये मंत्र दिया और आप यकीन मानिए एक हफ्ते के भीतर भीतर ये नहीं पता लगा कि वो तीसरी जो औरत थी वो कहाँ चली गई। बहुत ही चमत्कारी, चाहे सात समंदर पार क्यों ना इसको लगाना हो ये अपना काम सटीक करता है। इतना बेहतरीन मोहिनी मंत्र जो कि एक ही बार में अपना कमाल दिखा देता है और सोने पर सुहागा ये बहुत ही छोटा है, इसे कोई भी याद कर सकता है। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनका लाखों उपाय करने के बाद भी नहीं लगता और कई लोग ऐसे होते हैं जिनका पहला ही उपाय लग जाता है। तो ये वही है कि आपके भीतर कितना सामर्थ्य है, कितनी तपस्या आपने कर रखी है। तपस्या का मतलब होता है जिस तरह से यदि कोई दाम्पत्य जीवन में तीसरा व्यक्ति अगर आने की कोशिश करे तो आप उसे सख्ती से मना कर सकते हैं या नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं जो पिसल जाते हैं लेकिन आपका जो चरित्र है वो आपको संभाले रखेगा, आपका विवेक जो है वो इन चीज़ों से आपको दूर रखेगा। कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि आपकी अंतरात्मा से एक आवाज़ आती है कि ये काम गलत है इसे मत कीजिए और ये काम सही है इसे कीजिए। तो अक्सर जो लोग सफ़ेद वाली साइड रहते हैं, जो मान लीजिए जो अच्छी बातें जो होती हैं उसकी तरफ रहते हैं, वो हमेशा फ़ायदे में रहते हैं। यदि आप जैसे यिंग यांग होता है, एक डार्कर साइड होती है एक वाइट साइड होती है, तो वाइट साइड में हमेशा रहिएगा। आपका आपकी अंतरात्मा में जो आवाज़ आती है वही आवाज़ प्रभु की होती है, श्री हरि वहीं विराजते हैं। और ये समझिए कि वो जो आवाज़ है वो उन्हीं की है, वो आपको सचेत करते हैं कि ये चीज़ें मत कीजिए और ये कीजिए। तो यिंग यांग की थ्योरी पढ़िएगा, उसमें आपको पता लगेगा कि जो सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक डार्क होता है और एक ब्राइट होता है। तो हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, तो आपके जीवन में भी
उत्तम गुण मिलेंगे, आपको अच्छा ही होगा। तो मंत्र सुन लीजिए, लेकिन मंत्र बताने से पहले आपको मैं बता दूं कि मैं देखता हूं कि आजकल जो है लोग शराब पीने लग गए हैं, स्त्रियां भी शराब पीती हैं, इसमें दो राय नहीं है। तो जो भी स्त्री मदपान करती है, किसी भी तरह का कोई धूम्रपान करती है, तो कृपा करके इस मंत्र को मत छुइएगा, क्योंकि ये बहुत पवित्र मंत्र है। किसी भी तरह का व्यसन करने वाले लोग जो हैं वो इसे ना छुएं। यदि आप मांस मदिरा खाते हैं तो कम से कम एक महीना गैप दीजिए और फिर इसको शुरू कीजिए, क्योंकि आपका सात्विक होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। जब तक मन पवित्र नहीं होगा तब तक ये मंत्र काम नहीं करते हैं। और यदि आप मेरे पास आके कहोगे कि आपके मंत्र ने काम नहीं किया, तो इसमें त्रुटि जो है वो आपकी ही होगी। मंत्र कभी खाली नहीं जाते, बस बात ये होती है कि आपने उसको लगाया कैसे, चलाया कैसे है। तो मंत्र सुन लीजिए, ओम ह्रीम अमुक मे वशमनाय आकर्षणम स्वाहा। यहाँ पर जो अमुक आया है, यहाँ पर आपको अपने पति का नाम लेना है। अपने पति का नाम लीजिएगा, जैसे ओम ह्रीम अमुक की जगह पर जो भी फला व्यक्ति है उसका नाम आपको लेना है। मे वशमनाय आकर्षणम स्वाहा। तो इस मंत्र का लगभग 1100 की संख्या में आपको जाप करना है 11 दिनों तक। इसको शुक्रवार से शुरू कीजिएगा और अगले शुक्रवार पर जो है आपको इसका असर दिख जाएगा। कई लोगों को तो ऐसा भी होता है कि अगले ही दिन से असर दिखना शुरू हो जाता है। कुछ भी ऐसा घटित होता है कि जो तीसरी स्त्री आई है, जो भी लव ट्रायंगल बन रहा है, उसमें से वो कहाँ गायब हो जाती है, उसको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके साथ कुछ भी हो सकता है, ये प्रकृति डिसाइड करेगी। आपको बस अपना कर्म करना है कि आपने प्रकृति को बताया कि मुझे ये चाहिए, और जितनी दृढ़ता से, जितने उत्साह के साथ आप इस कार्य में लगेंगे, उतना ही अधिक इसमें फल मिलता है। प्रसन्नचित होकर इसको जो है कीजिएगा। ये नहीं है कि आप बैठे मंत्र को लेकर हैं और आपको आपका जो ध्यान है वो जा रहा है कि आज सब्जी क्या बनेगी, कल सब्जी क्या बनानी है, आज तो टमाटर ख़त्म हो गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एकाग्रचित होकर अपने मन मस्तिष्क को एक जगह पर लगाकर सिर्फ इस मंत्र का गुंफन करना है। जब कभी मंत्र का जाप करें तो ये चीज़ याद रखिएगा कि आपको एकाग्रचित होना है और आपके आसपास कोई ना हो। जब तक साधना में आपको सफलता ना मिल जाए, इस साधना के बारे में किसी को ना बताइएगा, क्योंकि ऐसा होता है कि जब तक एक साइंटिस्ट कोई आविष्कार ना कर ले तब तक लोग उसे पागल ही समझते हैं। तो जब तक इसका असर ना दिखे तब तक इसको ना बताइएगा किसी को, क्योंकि आपको प्रोत्साहन की जगह आपको बहुत उल्टी सीधी बातें जो हैं सुनने को मिल जाएंगी। जितने मुंह होते हैं उतनी बातें होती हैं। और तंत्र में एक बात है कि आपका जो उत्साह है, जो आपका विश्वास है, यदि वही डगमगा गया तो मंत्र काम नहीं करते हैं। तो जैसा प्राचीन काल में होता था कि राजा को एक मंत्र मिलता था और वो अपना सारा राजपाट छोड़कर बस उस एक मंत्र के पीछे जंगलों में भ्रमण करता रहता था, ठीक उसी प्रकार जब आपको ये मंत्र मिले तो आपको इस पर पूर्ण विश्वास करना है। और इसके बाद देखिएगा किस तरह से इस प्रकृति में चमत्कार होते हैं। ये प्रकृति आपकी बातें सुनेगी। ये कुछ ऐसे कोड वर्ड्स हैं जिससे कि प्रकृति को ये बताया जाता है कि मुझे क्या चाहिए। और जिसने ये समझ लिया, जिसने ये जान लिया, समझिए उसको माँ भगवती से बातें करनी आ गई। माया जो है उनकी बात अवश्य सुनेगी। तो सात्विक रहिए, किसी भी तरह का व्यसन ना कीजिए और हरि भक्ति में लगे रहिए। इन मंत्रों में इतनी शक्ति है कि आपके आने वाले भविष्य को संवार देंगे। यदि कहीं पर कोई त्रुटि हुई हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9992841625 पर, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है info@mohiniwidya.com। धन्यवाद।